हेलो गाइस, इस तरह की हम लोगों के यहाँ जो लोअर होती हैं तो उसमें लास्टिक लगाने के लिए जब इसकी लास्टिक कभी कभी खराब हो जाती है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम इसको चेंज कैसे करें, क्योंकि इसमें खोलने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। इस तरह से यहाँ पर ये अगर हम सिलाई खोलते हैं तो वो अंदर से फिक्स रहती है, तो वो इस तरह से हटती नहीं है, ना ही लास्टिक हटती है और ना ही सिलाई हटाने से ये खुलता है। और क्योंकि इसमें अंदर ये इस तरह से नेट की लाइनिंग लगी रहती है तो ये इस तरह से नहीं हट पाती है, और इसमें लास्टिक जब लूज हो जाती तो फिर बहुत दिक्कत होती है कि हम इसकी लास्टिक को कैसे करें। तो हमें लोअर को ही हटाना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इसकी लास्टिक चेंज नहीं हो पाती है आसानी से। तो चलिए देखते हैं आज कि हम इसकी लास्टिक को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि हमें मेरे पास इसी तरह का ये एक और लोअर है, इसकी भी लास्टिक खराब हो गई है। ये देखिए, इसमें भी इसी तरह से लाइनिंग लगी हुई है, ये तो ये खुलने में नहीं आ रही। मैंने ये खोलने की कोशिश की तो ये इस तरह से खुल रही है, इसमें अंदर से सिलाई रहती है तो ये खुल नहीं पाती। इसकी सिलाई हटाने के बाद भी ये इस तरह से लगी और लास्टिक देखिए इसके अंदर इस तरह से लगी हुई है, तो जिसे कि हम खोल नहीं सकते। इसमें सिलाई इस तरह से अंदर से रहती तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी अगर हम गलत तरीके से इसे लगाएंगे तो। तो मैंने क्या किया कि इसकी लास्टिक हटा, इसकी सिलाई हटा ली है, जो ये सिलाइयां थी इसकी वो मैंने पहले हटा ली हैं। पहले इसका इसमें जो डोरी पड़ी हुई थी, जैसे जिस तरह से इसमें ये डोरी पड़ी हुई है इसी तरह से इसमें भी ये डोरी पड़ी, इसमें लास्टिक भी रहती है और डोरी भी रहती है। तो मैंने क्या किया कि पहले इसकी डोरी हटा ली है, यहां से ये जो डोरी लगी रहती है यहाँ पर ये इस तरह से होल होते हैं तो यहाँ से डोरी लगी रहती है ये, तो मैंने इसे निकाल के पहले बाहर कर दिया है। डोरी हटाने के बाद मैंने क्या किया कि इसकी सारी सिलाइयां खोल दी। अब सिलाइयां ये यहाँ पर ये एक जोड़ था तो मैंने यहाँ से इसकी सिलाई थोड़ी सी खोल दी, ये यहाँ पर जोड़ बना हुआ था सामने की ओर ये इस तरह से, तो मैंने यहाँ से इसकी सिलाई अंदर की साइड इतनी सी हटा दी। ये देखिए, ये हटाने से इसकी लास्टिक यहाँ से दिखने लगी, लेकिन ये हट नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पर ये सिली हुई है। तो मुझे जितने साइज की लास्टिक चाहिए आप अपने जितनी भी कमर का साइज उस हिसाब से लास्टिक ले लीजिए। मैंने ये लास्टिक ली और इसको एक सेफ्टी पिन से इस तरह से लगा लिया, और ये जो मैंने सिलाई खोली हुई थी ये इसमें इस तरह से मैंने लाया। इस तरह से यहां से निकाल लिया है, अब इसको हम इस तरह से यहां पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद लास्टिक में इस तरह से खींच के लोअर को से पूरा अंदर ठीक से लगा देंगे। इस तरह से पूरी लोअर की अच्छे से जब सेट हो जाए तो फिर उसे ऊपर और नीचे दोनों साइड से मशीन से सिलाई लगा देंगे, लास्टिक के ऊपर सिलाई चला देंगे, जिससे कि खींच खींच के जिससे कि अच्छे से लास्टिक सेट हो जाए। और ये देखिए, लास्टिक लगाने के बाद लोअर फिर से टाइट हो गई और अच्छी हो गई है, बिल्कुल नई के जैसी हो गई है पहले के जैसे। अब क्या करेंगे कि हमने जो इसकी डोरी निकाली हुई थी, अब वो डोरी लेके इस तरह से उसे भी इसमें लगा देंगे एक सेफ्टी पिन की हेल्प से। ये जो होल बने हुए हैं इसी से इस तरह से डोरी को
अच्छे से डाल के पूरे में दूसरी साइड से निकाल देंगे और डोरी लग के तैयार हो जाएगी। तो गैस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर दें। ये देखिए लोअर बिल्कुल नई के जैसी फिर से तैयार हो गई है। तो गैस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।